Pinagtataba ka. उड़ रहे भाई किंग्स पिजन के, किंग्स पिजन्स। और सलाम अलैकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं आपका दोस्त जीत ठाकुर और मेरे चैनल का नाम है किंग्स पिजन। आप सभी भाइयों के चैनल का नाम है किंग्स पिजन। और कुछ कबूतर भाई उड़ा रखे थे, आज खोल रखे थे। मैं बोला थोड़ा भाई इनको भी हक है। वैसे तो मैंने अभी ये नेट कर दी है यहाँ पे सामने, क्योंकि अननेसेसरी कबूतर यहाँ वहाँ बैठ रहे थे उससे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इनको सेफ साइड यहाँ पे अंदर रहेंगे। तो कबूतर एक तो बंद नहीं होते थे जल्दी है, और मैं यहाँ पे रहता नहीं लॉफ्ट पे, तो बहुत सारे बंदों को प्रॉब्लम होता था उससे। तो उसके लिए भाई ये इस तरह से कुछ इसका प्रबंध कर दिया ताकि कबूतर अंदर ही रहे। लेकिन आज थोड़ा टाइम मिल गया तो मैंने बोला चलो आज इनको थोड़ी धूप दी जाए, क्योंकि गर्मी का भी टाइम है, सर्दी का भी टाइम है, और उसी के साथ कबूतरों को थोड़ी धूप लगना चाहिए। और मेरी आदत यह है कि मैं दाना खिलाने के बाद कबूतर को थोड़ी फड़क जरूर मारता हूँ, ताकि मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान खाना खाने के बाद थोड़ा हाजमा करने के लिए थोड़ा जब वॉक करते हैं तो उनको हाजमा हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से। उसी तरह से मेरी ये सोच है, वो हर किसी की सोच हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर उड़ाता हूँ दाना खिलाने के बाद कबूतरों को। और बाज बेरियाँ भी अभी आना स्टार्ट हो गई है, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये देखिए। तो लेकिन जो कबूतर की नसीब में जो लिखा है वो होना ही है, पर उसका मतलब ये नहीं कि हम जानबूझ के उनको बाजों के हाथ में दे दें। लेकिन तब भी खाना खाने के बाद कबूतर को, जब दाना देने के बाद कबूतर को उड़ाने का रीज़न ही मैं बता देता हूँ सबसे पहले आपको कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको एक नए सदस्य से मिलाते हैं हम लोग किंग्स पिजन फैमिली के। तो भाई कई बार चोरियों की लगातार जो वारदातें हैं यहाँ पर होती रही, उससे परेशान होने के बाद एक डिसीजन ये लिया गया कि भाई एक डॉगी लाया जाए टेरेस पे। तो आप सभी मिल रहे हैं अभी फिलहाल मेरी डॉबरमैन फीमेल पॉपी से। हाय पॉपी, ए से हाय, से हाय टू एवरीवन। सब देख रहे हैं अभी। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, और ये बहुत ही ज़्यादा मस्ती खोर फीमेल डॉबरमैन है। ये देखिए इसकी मस्ती, अभी आपको दिखाता हूँ मैं पॉपी। ये देखिए इसकी मस्ती, और बहुत ही ये देखिए। नहीं, ये कबूतरों को उड़ाने की झंडी है, नहीं। सो ये है पॉपी, जो कि अभी आगे चल के कबूतरों का केयर टेकिंग करेगी। और बाप रे, ये तो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गए हैं अभी फ़िलहाल। तो कबूतर जो उड़ाए थे अभी फ़िलहाल, उसमें से कुछ जो कबूतर है वो ऊपर चली गए हैं थोड़ा, और कुछ जो कबूतर ऐसे पंख बंद करके गिर रहे नीचे, क्योंकि उनको डर है कि ऊपर से कहीं कोई मार ना दे उनको, और बिल्कुल स्वाभाविक डर है उनका। और ये नए कबूतर है बहुत, इसमें जितने भी कबूतर आप देख रहे हैं ये सारे नए कबूतर हैं। मैंने बाजियों के हिसाब से वैसे तो कबूतर लाए हुए थे अभी, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है इसके रिगार्डिंगली, कबूतर रखे हुए हैं ऐसे इस तरह से। और ये पॉपी देखिए मस्ती के मूड में है फुल टू, और ये बहुत ज़्यादा मस्ती करती है। ओके हाँ, तो पॉपी से आपने मिल लिए, और अभी उड़ते हुए कबूतरों को आपको शो कराते हैं। तो ये है पॉपी, और ये उड़ रहे हैं सारे पापी पापी नहीं यार, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है भाई। और ये पापी इसलिए बोल रहा हूँ इनको कि साले उतरने का नाम नहीं लेते हैं ये जल्दी, और इतने दिन के बाद बोल रहा हूँ। ये मादी, ये जो दिख रहे हैं आप स्क्रीन पर, इसके पंख ही नहीं है। अभी आप उतरेंगे, आप ये उतरेगी तो दिखाऊँगा, और शायद यहाँ से अगर आपको दिख रहे होंगे तो ये देखिए इसके पंख अभी आ रहे हैं, कितने पंख अभी आ रहे हैं, लेकिन ये तीन तीन पर पे भी उड़ती थी। तो अब इसको तो इतने पंख आ गए हैं, तो इसके लिए बहुत बड़ी बात हो गई है ये फिलहाल। तो लगभग 100 से 150 कबूतर खोल रखे हैं अभी हमने टेरेस के ऊपर, और इनको उड़ाने के लिए खोल के रखे हुए हैं। ये कोई सेल वाले कबूतर नहीं है, इट्स नॉट फॉर सेल, बस यही ऐसे दिल की खुशी उड़ाने के हिसाब से कुछ ये कबूतर रखे हुए हैं टेरेस पर। तो टॉपिक से हम लोग थोड़ा हट गए ये पॉपी के कारण। तो
कबूतरों को प्रॉब्लम बहुत सारे आते हैं ठंडी के दौरान, मैं आपको बता देता हूँ। ठंडी के दौरान कबूतरों को जो मेन प्रॉब्लम आते हैं वो होते हैं आँख का आना, बुखार होना, और बुखार के कारण ही कबूतरों की आँख आती है। तो आँख आने से कबूतर दाना खाना, जो दाना जो है कम खाना स्टार्ट करता है, अचानक से दाना खाना उसको रोक देता है, फिर उसके बाद वो लकवे में आ जाता है। तो ये ठंडी के जो टाइम है ये लकवे में आने के कबूतरों को सबसे बड़ा टाइम जो होता है वो यही होता है सबसे बड़ा। कॉपी गई उधर, तो एक मिनट, ये मेरी डॉगी अभी, इसको पता ही नहीं पिजन क्या होता है, ये खेल में ही पकड़ ले अगर, तो इसको थोड़ा बांधना पड़ेगा पहले। तो ठंडियों में कबूतरों को सबसे पहले क्या करें कि कबूतर बीमार ना हो, लकवे में ना आए, तो सबसे पहले दवाइयों पे ना आते हुए मैं आपको ठंडियों में कबूतरों को किस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं वो सबसे पहले आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा, ताकि आप सभी लोग उन सारी चीज़ों से बचें। सबसे पहली बात, कबूतरों को आप जो दाना दे रहे हैं वो दाना किस टाइप का है। मसलन अगर आप कबूतरों को अभी जवार दे रहे हैं तो जवार देना बिल्कुल आप उनको बंद कर दीजिए। अगर आप उनको जवार दे रहे हैं तो जवार से होता ये है कि जवार होता है ठंडा, जिससे कबूतर भी आपका ठंडा हो जाएगा और कबूतरों में वापस से बीमारी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी आप दे सकते हैं उनको बाजरा, गेहूं और बाकी जो मिक्स फूड है जो गर्म होते हैं, मूंग दे सकते हैं, मसूर दे सकते हैं। जैसे कि आप, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा मेरे पास थोड़ा मेरा फूड बचा हुआ है जो कि मैंने बनाया हुआ है, ये देखिए, इसमें है गेहूँ, काला मूंग, हरा मूंग, सरसों लाल वाली, सरसों काली वाली, और मक्का है। मक्का तो अभी सारा खा लिया है इन्होंने। मक्का बहुत अच्छा होता है क्योंकि मक्का में होती है विटामिन ए के कारण कबूतरों की आँख नहीं आती है। तो अभी आँख आना स्टार्ट हो रही थी मेरे पास भी, इसके लिए मैंने मक्का डालना चालू कर दिया है। तो ये इस तरह का जो दाना होता है, ये देखिए, अभी फ़िलहाल ये मिक्सिंग वाला जो दाना है, ठंडियों के दौरान कबूतरों को मैं खिला रहा हूँ ताकि कबूतर हल्के ना हो। ओके, और ठंड के दौरान कबूतर उड़ाना तो मुझे पसंद नहीं है क्योंकि कबूतर बहरीबाज बहुत मारती है, लेकिन कंपटीशन होता है मेरे दोस्तों, और कंपटीशन में मैदान कैसा भी हो अगर बैट्समैन अच्छा हो तो वो बहुत अच्छा खेलता है। और एक कबूतर अगर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे तो इसकी चाल देख लीजिए आप एक बार, तो मेरे को नहीं लगता है कि ये दिख रहा होगा, लेकिन बहुत ही उम्दा उड़ रहा है ये कबूतर, क्या बात है। नहीं दिख रहा है फिलहाल अभी, ये तो चार दिख रहे हैं, पाँच है ये जो उड़ रहे हैं, उसमें एक दो कली के पट्टे भी उड़ रहे हैं और मद्रासी। तो कबूतरों को आपको दाना किस तरह से देना है मैंने बताया आपको, कि आप अभी फ़िलहाल आप ज्वार बंद करके बाकी सारा दाना दे सकते हैं कबूतरों को, और उनको आप दे सकते हैं मक्का, मूंग, हरा काला दोनों मूंग, उसके बाद आप उसमें डाल सकते हैं काली सरसों, लाल सरसों, और हाँ मोट ज़रूर डालिए आप, साबुत मोट। इस साबुत मोट में आयरन बहुत ज़्यादा होता है, इससे कबूतर का इंटरनली जो संतुलन है वो बिल्कुल बना हुआ रहता है, कबूतर बीमार नहीं होता है। और ये नीलदुमा कबूतर देखिए कितने कम पर थे इसके, तब भी ये उड़ रहा था, बहुत ही शानदार कबूतर है ये। हाँ, तो और अगर, और दाने के बाद क्या होता है कि कबूतर बीमार हो जाता है। दाने के बाद कबूतर बीमार होने का सबसे बड़ा रीज़न है, अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में कबूतर है तो आप उनको फ्रीडम दीजिए, फ्री स्पेस दीजिए। अगर कबूतर आपके एक साथ मिलके अगर रहेंगे ज़्यादा, रात की बात कर रहा हूँ, जब कबूतर आप बंद करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में कबूतर होता है तो कबूतर बीमार होना स्टार्ट हो जाते हैं इस दौरान में, क्योंकि कबूतर ठंड में होता है, कबूतर बीट पतली करना स्टार्ट कर देता है, बीट के कारण पानी से, जब एक ही कुंडी में सारे कबूतर मिलकर पानी पीते उस टाइम पे भी कबूतर को एक दूसरे से वायरस फ्लक्चुएट हो सकता है। इसके लिए आप हमेशा ध्यान रखें कि कम कबूतर हो आपके पास, और अगर ज़्यादा कबूतर है तो इस तरह से आराम से खुले होना चाहिए कबूतर, दिन में उनको आराम पूरा खुलापन मिलना चाहिए। और ये दुबास कबूतर देखिए, अभी एक दो दिन पहले ही उड़ाया इसको, और क्या शानदार उड़ा ये कबूतर आज, बहुत शानदार उड़ा। और आप ये मत समझिए कि कबूतर अभी उड़े हुए हैं, कबूतरों को उड़ के 2 से 2.5 घंटा उड़ गया है और अभी तक कबूतर उड़ रहे हैं। ओके, नीचे से और मैंने बल्कि उड़ा दिए थे,
तो अगर आपके पास लकवा हो गया है तो लकवे से बचने के लिए आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने आपको बताया दाना, उसके बाद मैंने बताया कि क्वांटिटी कबूतरों की सर्दियों के दौरान कम रखिए। सर्दियों का टाइम, गर्मियों का टाइम, ये ब्रीडिंग टाइम होता है पूरा। बारिश में बच्चे मत निकालिए, बारिश का तो अभी टाइम है फिलहाल, उस बारे में डिस्कस करके भी कुछ मतलब नहीं है। लेकिन मैं तब भी बता रहा हूँ कि सर्दियों में कबूतरों के बच्चे बहुत अच्छे तरीके से आप निकाल सकते हैं, अच्छी ब्रीड कर सकते हैं। सर्दियों के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, गर्मियों के भी वैसे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सर्दी ये एक परफेक्ट टाइम है कबूतरों के बच्चे निकालने का। इस दौरान कबूतर के बच्चे बहुत ज़्यादा स्वस्थ भी होते हैं। और इस सर्दियों के दौरान जो हवा होती है वो पूर्व से, मतलब जिस तरफ से सूरज उगता है और जिस तरफ सूरज अस्त होता है उस तरफ चलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, सर्दियों के दौरान। तो इस दौरान अगर आपका लॉफ्ट का मुंह पूर्व की ओर है तो आपके फ्रंट साइड में आप कोई ऐसी पन्नी, कोई ऐसी जाली या ऐसी कोई चीज़ लगा दीजिए जिससे कबूतरों को हवा ना लगे डायरेक्टली, ठीक है। और अगर आपका लॉफ्ट पश्चिम की तरफ है तो कोई फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके लॉफ्ट का मुंह पश्चिम की तरफ खुलता है। लेकिन जिनके लॉफ्ट पश्चिम की तरफ खुलते हैं उनके लिए एक बात मैं बताना चाहूँगा, बॉबे शट अप, उनके लिए मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि शाम की जो धूप होती है वो आपके कबूतरों के लिए हानिकारक होती है। जिनके लॉफ्ट पूर्व की ओर है उनके कबूतर तो 5-6 बजे के टाइम पे बंद हो जाते होंगे, लेकिन शाम की जो उतरती हुई धूप है वो बोलते हैं कबूतरों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। तो आप उसका ख्याल रखिए, उतरती हुई धूप में कबूतरों को ना खोले। 4 से लेके 5 के बीच में आप दाना पानी कर लीजिए या तो उससे पहले, लेकिन 5 बजे आपके कबूतरों को आप अंदर कर दीजिए, आराम से उनको बैठने के लिए उनका आराम गहा जो है तैयार कर दीजिए ताकि कबूतर को परेशानी ना हो। ओके, तो ये छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हो रही है, अब आपको मैं अगर इस तरह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो उसका इलाज बताना चाहूँगा, जो कि एक आजमाया हुआ नुस्खा है जिससे मुझे फ़र्क भी बहुत सारा पड़ा और मेरे कबूतर अच्छे भी हुए। जैसे कि अगर आप इसमें देख रहे हैं कि अभी फ़िलहाल ये जो कबूतर हैं कितने, 3 और 3, 6 और 7, 8, ये आए ही बीमार कबूतर थे। इसमें से 4 कबूतर बीमार आए थे जिन्होंने बाकी के 4 कबूतरों को बीमार कर दिया। तो अगर आपके पास भी बीमार हो गए हैं कबूतर या लकवे में आ गए, सबसे पहले इनके मेन पंख और पूंछ काट दीजिए। मेन पंख और पूंछ काटने का रीज़न ये है कि अब ये देखिए, ये वही जो कलपुरा कबूतर है, ये कबूतर इतना शानदार कबूतर है मेरे पास का कि मैं इसके बारे में आपको बता ही नहीं सकता। और इसका जो बच्चा है एक, देखिए मैं बताता हूँ, ये बैठा हुआ है बकेट के ऊपर ये वाला। और ये कबूतर की उड़ान के बारे में मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, इतना ज़बरदस्त उड़ता है ये कबूतर। लेकिन अभी फ़िलहाल ये लकवे में आ गया, लेकिन वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे पता है मैं इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकता हूँ और अभी ये हो भी रहा है रिकवर। तो ये देखिए, ये अभी पूरी गर्दन घुमा रहा था, लेकिन जब से इसका इलाज चालू किया है ये कबूतर ठीक हो गया है। और ये कबूतरों के बारे में तो आपको मैं क्या बताऊँ, ये खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, लेकिन इसको देखिए अभी ये बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन, कोई बोलेगा भी नहीं इसको कि फिलहाल अभी ये लकवे में है, लेकिन ये इन्फेक्टेड कर सकता है दूसरे पिजन्स को भी। इसके लिए मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ, एक ऐसे पिंजरे में डाल के इनको आप रख दीजिए अलग से ताकि इन्हें प्रॉब्लम ना हो। और हाथ से इनको हैंड फीड कर रहा हूँ फिलहाल में, तो अभी ये दाने गिरे हुए दिख ही रहे हैं आप, थोड़े दाने इनको नीचे गिराता हूँ ताकि मैं देखता हूँ कि कबूतर कितने हद तक ठीक हो रहे हैं। और नए कबूतरों पे अगर आप ये जो नुस्खा मैं बताने वाला हूँ आजमाएंगे तो आपके कबूतर जल्दी रिकवर होंगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो नुस्खा क्या है फटाफट आपको दिखा देते हैं। हाँ, तो स्क्रीन पे आप 3 टैबलेट्स नहीं है, ये लिक्विड सिरप है और इसमें टैबलेट भी आती है, वो टैबलेट की बता देता हूँ मैं। ये 3 टैबलेट है अभी फिलहाल, लिक्विड है मेरे पास। अब इनका यूज़ और ये क्यों यूज़ करें ये भी बता देता हूँ मैं आपको। तो ये जो टैबलेट है ये एंड्रोफोक्सिस टैबलेट है, ये 150 mg की आती है। ओके, और गिर गई है नीचे फिलहाल। और ये है कॉर्नफ्लॉक्स ओरल सॉल्यूशन। ओके, और ये भी एंड्रोफोक्सिस ही है, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, दिख रहा हो तो अगर आपको, ये देखिए ये लिखा हुआ है एंड्रोफ्लॉक्सिस विटामिन ओरल सॉल्यूशन 10%। ओके, बोला 100% यार, 100%। और साथ में हिमालय ली 52 को कौन नहीं जानता भाई, जो भी पिजन्स पालता है और जानवरों से रिलेट है वो सारे जाते हैं। और ब्रूटोन, ये ली 52 और ब्रूटोन दोनों एक ही चीज़ है बेसिकली अगर माना जाए तो। लेकिन एक ढक्कन में ली 52 लेता हूँ और एक ढक्कन ब्रूटोन लेता हूँ, क्या पता क्यों मुझे ऐसा लगता है कि दोनों का मिक्सर से कबूतर ज़्यादा जल्दी रिकवर होता है, ये मेरा मानना है। बाकी ये आपकी अपनी सोच है, आप जिस तरह से आप यूज़ करना चाहते हैं। तो करना क्या है, 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन। ओके, तो ये 1 ढक्कन कैसा होगा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बॉटल होगी। ओके, अब इसमें बड़ी बॉटल भी आती है लेकिन मैं ये बॉटल ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये मुझे रोज़
सिर्फ 3 दिन तक देनी है, उसके बाद अलग एक कोर्स है, उसके बारे में भी एक नई हो सके तो वीडियो हम लोग बनाएंगे। तो ये बॉटल है, ये देखिए इस तरह की, इस पे फिश और मुर्गियाँ और ये हैंड्स है, डक है सॉरी यार, ये पिजन का भी एक फ़ोटो डाल देते तो क्या हो जाता। ओके चलो चलो कोई बात नहीं, लेकिन तो ये एक एक बॉटल एक पानी में एक ढक्कन, ओके ली 52 एक ढक्कन, ब्रूटोन एक ढक्कन, एक लीटर पानी में। अगर 3 लीटर पानी है मतलब 100 कबूतर है तो 3 लीटर पानी लगेगा आपको, 40 कबूतरों के लिए 1 लीटर पानी लगता है एक टाइम में, ओके। और सर्दियों में हो सकता है थोड़ा कम हो तो 2.5 लीटर पानी में आप 3 ढक्कन भी डाल सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। या 2 लीटर पानी में भी आप तीनों का तीन मतलब ये हो गए आपके 3 लीटर पानी के हिसाब से 3 ढक्कन, ये हो गए 3 ढक्कन और ये हो गए 3 ढक्कन, ऐसे इस तरह से 3 ढक्कन। और अब बात कर लेते हैं टैबलेट की, तो कहाँ गई वो टैबलेट। तो अगर ये टैबलेट, अगर आपको ये सारी चीज़ें सबसे पहले बता दूँ कि जानवरों को मेडिकल पे ही मिलेगी, और अगर आप ये लिक्विड्स ऐसे आप अगर सेटिस्फाई नहीं है, मैं भी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ ऐसा, तो इससे पहले मतलब यूज़ किया है अभी इस साल में फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये इतने से कबूतर थे इनको प्रॉब्लम हो गया था, तो ये छोटी वाली बॉटल ही प्रिफेयर की 8 कबूतरों के लिए, तो इससे ज़्यादा क्या होगा। पर मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा जल्दी रिकवर करती है कबूतर को वो ये टैबलेट है, ओके। ये टैबलेट के आपको 4 टुकड़े करना है, और सुबह कबूतर को दाना खिलाने के बाद ये एक एक टुकड़ा देना है आपको। और नेरोविन फोर्ड तो आप सभी को पता है, उसका भी फ़ोटो दिखा दूँ क्या मैं आपको, एक मिनट में ला के दिखा देता हूँ आपको, ओके। तो ये है नेरोविन फोर्ड, जो कि नॉर्मली किसी भी मेडिकल पे अवेलेबल हो जाती है, इंसानों वाली होती है, मल्टीविटामिन्स की टैबलेट्स होती हैं। इसका भी आपको 4 टुकड़े करना है और ये आपको देना है कबूतर को शाम को दाना खिलाने के बाद। तो 4 टुकड़े हो गए आपके एंड्रोफॉक्सिस के, और 4 टुकड़े हो गए आपके नेरोविन फोर्ड के। सुबह शाम का ये कोर्स है लगातार 15 दिन तक बिना रुके, टाइम टू टाइम आपको ये करना है कबूतर में आपको अगर रिजल्ट लेना है तो। तो 3 दिन आपको ये कोर्स करना है इन दिनों, और 4 दिन आपको करना है ये वाला कोर्स, ओके ओस्टो वीट। ये आपको आपके कबूतरों में जितनी भी प्रकार की कैल्शियम की कमी होती है उन सारी चीज़ों को ये दूर करेगा। इसमें बहुत सारे कैल्शियम्स होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। तो ये ऑस्ट्रोफीड है, ये भी आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। अब आपको ऑस्ट्रोफीड में करना क्या है, ऑस्ट्रोफीड के साथ मैं बता देता हूँ आपको। इसकी क्वांटिटी का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि कैल्शियम अगर कबूतरों के शरीर में ज़्यादा हो गया तो अननेसेसरी वो पंख झाड़ना चालू कर देते हैं, तो उसका भी आपको ख्याल रखना है कि ये कितना देना है आपको। अब आपने अगर ये इतना बड़ा 1 लीटर का अगर एक लेके आए हैं अगर आप ये, तो आप सबसे पहले इसमें विम्रोल की 1 cc डाल दीजिए। अब विम्रोल की एक छोटी वाली cc आती है, वो cc अभी फ़िलहाल मेरे पास है या नहीं है, मैं देख लेता हूँ, अगर होगी तो वो भी दिखा देता हूँ। तो विम्रोल की आप इसमें एक छोटी cc डाल के इसको शेक कर लीजिए, अच्छे से मिला दीजिए, और दोनों को आपको देना है इस वाले को 1 लीटर पानी में 20 ml, 1 लीटर पानी में 20 से 25 ml तक भी आप डाल सकते हैं। मैं फ़िलहाल 25 से 30 ml डालता हूँ, मेरे पास कबूतरों की संख्या ज़्यादा है। 40 से 50 कबूतरों के लिए आप 20 से 25 ml से लेकर 30 ml तक आप डाल सकते हैं ऑस्ट्रोवीट विथ विम्रोल। तो आज के आपको वीडियो में मैंने दिखाया कि सर्दियों में किस तरह के दाने होना चाहिए कबूतरों को। सर्दियों में कबूतरों को गर्म दाने होना चाहिए, ना कि ठंडे। चावल तो बिल्कुल भी मत डालना भूल के, चावल तो बिल्कुल भी आप भूल के मत डालना, और जितना भी हो सके उतना आप गर्म दाना भी डालना। गेहूं पचने में थोड़ा हार्ड होता है तो उसका भी ध्यान रखना, गेहूं की क्वांटिटी कम कर दीजिए। बाजरा डालिए आप कबूतरों को, बाजरा सबसे सही है। और मिक्स फूड आप कर लीजिए, मिक्स फूडिंग में आप कबूतर आपका ताकत में भी रहेगा, और सारे मिनरल्स विटामिन्स और ये ऑस्ट्रोवीट और फिर ये ली 52 और ये सारी चीज़ें मिलके कबूतर को फुल प्रूफ कर देगी, बुलेट प्रूफ कर देगी, तो किसी भी तरह की उनको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो इसी के साथ वीडियो के अंत में हम लोग आ गए हैं, और अंत में देख रहे हैं ये हैं कि दो कबूतरों और दो कबूतर दिख रहे हैं, दो ही है क्या, सिर्फ ज़्यादा होना चाहिए थे, लेकिन दो कबूतरों ने मैदान अभी तक बना के रखा हुआ है, दो ये और बहुत छोटे बच्चे हैं, और एक इसमें मेरी मादी है जिसके 2 बच्चे हैं अभी छोटे छोटे, वो भी चटक गई है। और एक ये जो बच्चा देख रहे हैं आप उड़ते हुए, ये बड़ा ही छोटा बच्चा है, अभी 1-2 कली का होगा, और साथ में इनका भी स्वागत है। ये देखिए मैडम, ये चली इनके पीछे, तो 2 से 4 कबूतर उड़ रहे हैं अभी, बाकी तो दिख नहीं रहे हैं अभी फ़िलहाल मुझे, 2 से 4 कबूतर उड़ रहे हैं लेकिन 100%। हाँ, तो कैसी लगी वीडियो
ज़रूर बताइएगा छोटे मोटे नुस्खों के साथ, फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त जीत ठाकुर को इजाज़त दीजिएगा। ओए 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 ओए, आराम से आराम से आराम से भाई आराम से। ओहो चले, कतरी में भी ये बड़े छटकते हैं कबूतर, और एक कबूतर बड़ी ऊपर उड़ रहा था, वो कबूतर नहीं दिख रहा है, तो क्या पता आज वो बैरे का शिकार हुआ है या नहीं। तो कहानी में ट्विस्ट दिखाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कि कौन सा कबूतर सबसे लास्ट तक उड़ रहा था, और अगर आपको भी जानना है कि वो कौन सा कबूतर था जो सबसे ऊपर उड़ रहा था और अभी तक आया है या नहीं और आएगा या नहीं, वो जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका दोस्त जीत ठाकुर छोटे मोटे नुस्खों के साथ। जो ये है नुस्खे, मैं आपको नुस्खों के बारे में बता दूँ, एक छोटी सी और एक मिनट ले लूँगा आपका बस, ये नुस्खे सारे आजमाए हुए होते हैं, वही नुस्खे मैं यूट्यूब पर डालता हूँ। अगर इन नुस्खों से आपको फ़ायदा होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ फ़ायदा हुआ, पर क्वांटिटी हमेशा ध्यान रखिएगा, बाद में जीत ठाकुर को ब्लेम मत कीजिएगा, और यह मत बोलिएगा कि जीत भाई ने हमें ये बताया था। जीत भाई ने जो बताया था वैसा करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, बाकी अगर आप उसको उल्टा सीधा करेंगे, 8 की जगह 10 ढक्कन, 10 की जगह 15 ढक्कन, भाई मेरा कबूतर जल्दी रिकवर हो जाए, तो फिर आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। उस चीज़ का आपको ही ध्यान रखना है, उसका मैं ध्यान नहीं रखूँगा। ये मेरा काम था, मैंने आपको बता दिया है, बाकी आपकी मर्जी है। ओके, तो चले फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव की ओर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।